आपको बता दें मलेरिया कितना जानलेवा है ये हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मलेरिया की अब दुनिया की पहली वैक्सीन आ गई। इस वैक्सीन को WHO ने मंजूरी दे दी। जानलेवा मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को एक जरूरी ऐलान किया। WHO ने मलेरिया से बचाव के लिए बनाई गई वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है। जब दुनिया में हर 2 मिनट में एक बच्चा मलेरिया की वजह से अपनी जान गंवा रहा है, ऐसे में ये घोषणा राहत देने वाली है। This long-awaited malaria vaccine is a breakthrough for science, child health and malaria control. Using this vaccine in addition to existing tools to prevent malaria could save tens of thousands of young lives. ये फैसला घाना, केन्या और मलावी में चल रहे पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों पर आधारित है, जिसे साल 2019 में शुरू किया गया था। हालांकि मलेरिया की दवा पहले से मौजूद है, लेकिन ये पहली बार है जब वैक्सीन सामने आई है, यानी वैक्सीन लगवाने के बाद मलेरिया की चपेट में आने के बावजूद खतरा बेहद कम होगा। WHO के मुताबिक हर साल 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान मलेरिया की वजह से जाती है, और इससे प्रभावित होने वाला सबसे कमजोर समूह 5 साल से कम उम्र के बच्चों का है। मलेरिया से बुरी तरह प्रभावित केन्या ने WHO के इस कदम का स्वागत किया है। ABP News आपको रखे आगे।